राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भेजा संदेश, कहा राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश कर रहा दे रहा है अपनी श्रद्धांजलि। सिर्फ इतिहास में नहीं देशवासियों के हृदय में है सरदार पटेल। गुजरात के केवड़िया पहुंचे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में की शिरकत, जनता को किया संबोधित। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर बोला हमला, रास्ता रोकने के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे वापस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, चार मौके से फरार, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देशवासियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जिसने जीवन का हर पल समर्पित किया, ऐसे राष्ट्रनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संघ सभ्यता, संस्कृति के उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र हैं। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से ज़्यादा अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा, सपनों, आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा हैं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्रनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। सैकड़ों वर्षों से भारत के समाज में, परंपराओं में, लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा। जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज सरदार पटेल की जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है और वो एक सरदार सदियों तक अलख जगाता है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने, आप भी सुनिए। जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक और तो 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी, कई सारे संघर्ष, कई सारे बलिदान हमारे सामने पड़े हैं, उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, अनेक प्रकार के आजादी की लड़ाइयां लड़ी रही, हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, कई लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, ऐसे जाने अनजाने सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है, उनको याद भी करना है और उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगाना भी है। करोड़ों देशवासी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इस सब को बताना चाहता हूं, सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं है, मगर परेड करते हुए जवान, सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था वो सरदार पटेल का ही भाव था।
सरदार साहब की दी हुई प्रेरणा ने ही आज इस देश को एक और अक्षुण रखने का काम किया है, और आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने के लिए हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। मित्रों, ये केवड़िया कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक तीर्थ स्थान बन गया है, राष्ट्रीय एकात्मता का तीर्थ स्थान, राष्ट्र धर्म का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल, और आज ये आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता और अखंडता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। ये संदेश जो सरदार साहब ने दिया है, आज केवड़िया इसका दुनिया के सामने उद्घोषणा करता है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने आज एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं और जनता के दरवाजे भी सरकार ने ही बंद कर रखे हैं, हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिवाली यहीं मनेगी और यहीं दिए जलाए जाएंगे। उन्होंने रास्ता रोकने के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया है, उसके बाद हम भी अपने टेंट की रिपेयरिंग का काम कराएंगे और 6 महीने और यहां रहने की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि काले कानून मुर्दा हैं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक वापस कैसे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में आपने लोकल फॉर वोकल जरूर सुना होगा, लेकिन लोकल फॉर वोकल से किस तरह से भारत में काम किया गया है और किस तरह से जो बड़ी बड़ी मशीनें विदेशों से बड़े पैमाने पर मंगाई जा रही थी उनको अब भारत में बनाए जाने लगा है और लोग अब बड़ी आसानी से उन्हें खरीदने भी लगे हैं। इसी विषय पर गाजियाबाद से संयुक्त आयुक्त उद्योग अधिकारी से हमारे संवाददाता की खास बातचीत हुई, आप भी सुनिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में अक्सर सुना होगा लोकल फॉर वोकल, लेकिन ये होता क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं संयुक्त आयुक्त उद्योग के अधिकारी, इनसे हम जानते हैं। सर, किस तरह से लोकल फॉर वोकल को लेकर गाज़ियाबाद में मुहिम चलाई जा रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो थीम है लोकल फॉर वोकल, तो उसके लिए जो हमारे ऐसे उत्पाद जिनको हम कभी बाहर से मंगाते थे अब हम अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में निर्मित करते हैं, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी उन्हीं उत्पादों से आपस में इंटरकनेक्टेड होके अब हम बाहर से अपने पर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, और जो भी हमारी चीज़ें हमें जिनकी ज़रूरत है उनका हम उत्पादन जनपद में ही कर रहे हैं। तो ये बेसिकली थीम है। अगर मैं गाज़ियाबाद की बात करूं तो गाज़ियाबाद में भी हमारे बहुत से उत्पाद हैं जिनको हम बाहर से पहले कभी मंगाते थे, लेकिन आज वो हम गाज़ियाबाद में ही बना रहे हैं। तो उस थीम पर चलते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए किस किस तरह के वो प्रोडक्ट्स थे जो पहले विदेशों से मंगाए जाते थे, खासकर चाइना से मंगाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। देखिए, बहुत सारी मशीनरी पार्ट्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो हम पहले कभी जिस पर हम चाइना पर निर्भर थे, पूरी तरह से निर्भर थे, लेकिन आज की तारीख में ये सारी चीज़ें हम लोग खुद कर रहे हैं। चाहे वो पीपी किट की बात हो, चाहे N95 मास्क की बात हो, चाहे N95 मास्क बनाने की मशीनों की बात हो, चाहे आपके एयर प्यूरीफायर की बात हो या आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, ये सारी ऐसे उत्पाद हैं, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो मैंने आपको बताए, ये जो कभी हम चाइना पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में ये सारे कंपोनेंट हम अपने गाज़ियाबाद में बना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि इनका पहले प्रशिक्षण दिया जाता होगा, लोगों को समझाया जाता होगा, लोगों को बताया जाता होगा, और जिनके पास इनकी मशीन नहीं है उनको लोन भी दिया जाता होगा, तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से किया जाता है? जी देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है तो हम लोग प्रशिक्षण के बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे वो ODOP का प्रशिक्षण हो या विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्रशिक्षण हो। इस प्रशिक्षण के अलावा अगर किसी को अन्य तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है तो हमारे प्रदेश स्तर के भी इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से हम उद्यमियों को नई तकनीक के बारे में बताते हैं
एक्सपोर्ट के बारे में बताते हैं, इम्पोर्ट के बारे में उनको जानकारी देते हैं, और फिर इसके बाद उपरांत अगर उनको किसी भी तरह के ऋण की आवश्यकता होती है तो हमारी 3 ऋण योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, और एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना है। इन तीनों योजनाओं में पात्रता के आधार पर हम लाभार्थी को जो भी इच्छुक है उनको हम बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराते हैं और प्रदेश सरकार उन पर अनुदान देती है, तो हम इस तरह से उनकी बैंक की मदद करते हैं। बैंक की मदद के अतिरिक्त हमारी बाज़ार विपणन की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें हम जो उनके उत्पाद हैं उनके बेचने में भी मदद करते हैं, और चाहे वो ODOP के उत्पाद हों या ODOP से इतर उत्पाद हों, अगर कोई उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज़, कोई आर्टिजन हमारे प्रदेश के या प्रदेश से बाहर या अंतर्राष्ट्रीय मेलों में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए भी जिला उद्योग केंद्र उनको विभिन्न तरह से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो बिल्कुल देखिए, जहां एक तरफ पहले चाइना से चीज़ें मंगाई जाती थी, लेकिन अब दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल से इस चीज़ का भी फायदा हुआ है कि लोग अब अपना आप ही उन चीज़ों को बना रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां लग रही हैं, और लोग चाइना के बजाय अपने देश का ही जो मशीन है उसको उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बताई यहाँ पर संयुक्त आयुक्त उद्योग के अधिकारी वीरेंद्र जी ने। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मथुरा में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश में अपराध की रोकथाम और गैंगस्टर और अपराधियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बीती रात छाता पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 4 बदमाश भागने में सफल रहे, जबकि एक बदमाश भागकर छाता तहसील में अधिवक्ताओं के चैम्बर में छिप कर बैठ गया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छाता में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के न्याय खंड 3 में HDFC बैंक के ATM को देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुबह करीब 3:54 पर बाइक सवार 2 बदमाश वहां पहुंचते हैं, जो पहले ATM के पास रेकी करते हैं, और फिर एक बदमाश लोहे की रॉड लेकर ATM में दाखिल होता है और ATM को तोड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान सिक्योरिटी सायरन बजने लगता है और चोर वहां से भाग जाता है। वीडियो में चोर को ATM में दाखिल होते हुए फिर सायरन बजने के बाद ATM से भागते साफ देखा जा सकता है। मामले का पता तब चला जब ATM का केयरटेकर सुबह ATM की सफाई करने पहुंचा, तब वहां ATM को टूटा देख केयरटेकर ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के आधार पर अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी के घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और लाखों की नकदी समेत करीब 22 लाख के जेवर चोरी कर लिए। मामले की सूचना मिलते ही CO City ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया। CO ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है और चोरों की तलाश शुरू हो चुकी है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कोतवाली शहर के बहरा सौदागर क्षेत्र में एक बड़ी चोरी घटना संज्ञान में आई है। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, 2 टीमों का गठन किया गया है, जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण करेंगे। हमारा उजाला गली धर्मशाला रोड पे है, और मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे संडे को, तो हम उधर पिताजी को गांव लेके गए रानी कटियारी से, और गांव पे पहुंचे तो उधर से हम वहीं 2-3-4 दिन वहीं रुके सब लोग, मैं बच्चों सहित। उसके बाद में जब अभी हमें पता चला कि कारण अभी एक दरोगा जी हैं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ताला टूटा पड़ा है, तो हम यहाँ भाग के आए सांडी से, ममटापुर चिल्लौर से, तो फिर इधर देखा तो वो ताला टूटा पड़ा, तो हम लोगों ने देखा तो हमारा सब माल जेवर जो कुछ था सब चला गया, पूरा 5,33,000 रुपये एक में बंधा रखा था।
सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में रोहतास जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभों के इंटरव्यू किया जा रहा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लिए बेरोजगारों के लिए 15% तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25% तक सब्सिडी की व्यवस्था की गई। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक लोन में सब्सिडी दी जा रही है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया है कि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है जो पूरी तरह से पारदर्शी है। आवेदकों के योग्यता और अन्य जानकारी के आधार पर कंप्यूटराइज्ड विधि से मार्किंग की जा रही है। पीएमजीपी के तहत इंटरव्यू चल रहा है, इसमें स्कोर बोर्ड एक है जिसमें 8वां तक 50% चाहिए और 8वां से ऊपर जो बीए पास हैं उनको 60% से ऊपर स्कोर बोर्ड होगा तभी सिलेक्शन होगा। किस तरह का इसमें स्कोरिंग कंप्यूटर, मान लीजिए बीए पास हैं तो 5 नंबर मिलेगा, 8वीं पास हैं तो 1 नंबर मिलेगा, ऐसे करके अस्थायी निवासी हैं तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेगा स्कोर बोर्ड। बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त बच गया जब भीड़ भाड़ वाली जगह में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट की है। बताया जा रहा है कि बॉम्बे ड्रेसेस मॉल के पीछे उल हाउस मालिक मनोज कुमार के जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां पर मौजूद जो 2 जनरेटर कई बाइक और साइकिल सहित अन्य सामानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद तुरंत स्थानीय लोगों की तरफ से आग बुझाने का प्रयास किया गया और फिर फायर ब्रिगेड विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड विभाग ने कर्मचारियों ने आम लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में तकरीबन 7 से 8 लाख के सामानों के जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर समय से आग पर काबू नहीं पाया जाता तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। लालकुआ में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कोतवाल संजय कुमार के साथ सेंचुरी पेपर मिल से निकल रहे केमिकल युक्त जहरीले नाले का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बिंदु खत्ता के घोड़ा नाला बोरिंग पट्टा सहित संबंधित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मौके पर ही गंदे नाले की वीडियोग्राफी पर अधिकारियों को केमिकल युक्त पानी के सैंपलिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। नैनीताल के क्षेत्रों में जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्बयाल लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने तल्ला रामगढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र रामगढ़ तल्ला बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावितों को घर घर जाकर सहायता चेक वितरित किए। जिलाधिकारी गर्बयाल ने आपदा से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत समस्याओं का निराकरण कराने के निर्देश मौके पर संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने रामगढ़ जमरानी नाले से हुए रामगढ़ तल्ली बाजार में घरों दुकानों को हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण भी किया। रुड़की के त्रिपुरा में पिछले एक सप्ताह से हो रहे नरसंहार आगजनी को लेकर आजाद समाज पार्टी ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जल्द ही आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलौर के आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता काजी मोनीस ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले एक सप्ताह से त्रिपुरा में एक समुदाय के मकान में और धर्मस्थल जलाए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी सरकार की साजिश साफ नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में त्रिपुरा में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, पर सरकार की मंशा इस मामले में ठीक नजर नहीं आती, जिसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार वहां के हालात को या तो जल्द ही काबू में करे, नहीं तो आजाद समाज पार्टी इस मामले में आंदोलन को बाध्य होगी। बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा पंडाल का एक मामला होता है जिसकी वीडियोस और फुटेजेस हिंदुस्तान में सर्कुलेट की जाती हैं। किसी दूसरे मुल्क के अंदर होने वाली घटना के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर कुछ हिंदू आउटफिट्स जो हैं, जो फंडेड एंड ऑपरेटेड हैं, जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले किए जाते हैं, मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं। हालांकि आज त्रिपुरा के हाईकोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। तलापत्रा साहब हैं और महंती साहब हैं, जस्टिस, उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और कहा है, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और कहा है कि इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन ये वायलेंस चलते हुए पिछले महीने की 26 तारीख से चल रहा है वायलेंस।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।